हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में ट्वेल्थ क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये लेटर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट। राइट मीन्स लिखना है। क्या लिखना है? आ लेटर, एक पत्र लिखना है। किसके लिए लिखना है? तो लिखा है टू द पोस्ट मास्टर के लिए लिखना है। कहाँ के पोस्ट मास्टर? तो लिखा ऑफ योर टाउन या लोकलिटी के हैं। और किस लिए लिखना है? तो लिखा है कंप्लेनिंग, मतलब शिकायत करना है। किसकी शिकायत करना है? अबाउट, मतलब के बारे में। किस चीज के बारे में? नॉन डिलीवरिंग के बारे में। क्या नॉन डिलीवरिंग हो रहा है? क्या नहीं आ रहा है आपके? योर लेटर नहीं आ रहा है और पार्सल नहीं आ रहा है, उसकी आपको शिकायत करना है पोस्ट मास्टर से। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं, भेजने वाले का पता लिखते हैं। तो क्या डाला हुआ है? अरेरा कॉलोनी है। कहां पर है? भोपाल में है। किसको लिखा जा रहा है? टू, मतलब को। किसको? पोस्ट मास्टर को लिखा जा रहा है। और हेड पोस्ट ऑफिस सिविल सेंटर भिलाई में है। और डेट डली हुई है 18 फरवरी 2024, डाल देना है, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिखा हुआ है आ कंप्लेंट की जा रही है, मतलब शिकायत की जा रही है। अगेंस्ट, मतलब के खिलाफ। किसके खिलाफ? पोस्टमैन के। कहाँ का पोस्टमैन है? ऑफ अवर एरिया, हमारे एरिया का जो पोस्टमैन है उसकी शिकायत करने के लिए पत्र लिखा जा रहा है। अब आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ। किस लिए? टू ब्रिंग, मतलब लाने के लिए। क्या लाने के लिए? तो लिखा है यूर नोटिस, आपका ध्यान लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। किस ओर लाने के लिए? तो लिखा है दैट द पोस्टमैन, मतलब उस पोस्टमैन की ओर। कहां का पोस्टमैन है? तो लिखा है ऑफ, मतलब का। माय लोकलिटी, मेरे स्थानीय का है। इसकी ओर ध्यान क्यों खींच रहा है उनका? तो लिखा है हैज नॉट बीन कमिंग, वह नहीं आ रहा है। कहां नहीं आ रहा? तो लिखा है ऑन हिज बीट। बीट मतलब होता है इलाका, होता है जो उसको इलाका मिला है वह उस इलाके में नहीं आ रहा है। और कैसे नहीं आ रहा? तो लिखा है रेगुलरली नहीं आ रहा, लगातार नहीं आ रहा है। तो पहली लाइन में क्या लिखा है? आई एम सॉरी, मैं माफी चाहता हूं। किस लिए? टू ब्रिंग, मतलब लाने के लिए। क्या लाने के लिए? यूर नोटिस, आपका ध्यान लाने के लिए मैं माफी चाहता हूं। अब किस ओर ध्यान खींचना है? तो लिखा है पोस्टमैन की ओर। कहां का पोस्टमैन है? तो लिखा है माय लोकलिटी का है, मेरे स्थानीय का ही है। क्यों ध्यान खींचा जा रहा है इसकी ओर? तो लिखा है हैज नॉट बीन कमिंग बाय, नहीं आ रहा है। कहां नहीं आ रहा है? हिज बीट, मतलब उसके इलाके में, जो उसको आपने इलाका दिया था। और कैसे नहीं आ रहा है? रेगुलरली नहीं आता, लगातार नहीं आता है। तो इसका रिजल्ट निकलता है, इसका परिणाम होता है, लिखा है एज अ रिजल्ट, इसका परिणाम निकलता है नहीं आने का। जो अवर लेटर्स हैं, जो हमारे लेटर्स हैं, जो आर्टिकल्स, मतलब जो वस्तुएं हैं ना, आर नॉट रीचिंग अस, हम तक नहीं पहुंच रही। ऑन टाइम मतलब समय पर हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्या लिखा है? वो लगातार नहीं आता है। तो इसका रिजल्ट ये निकलता है अवर लेटर्स एंड आर्टिकल्स, हमारी वस्तुएं और जो लेटर है ना, आर नॉट रीचिंग अस, हम तक नहीं पहुंचते। ऑन टाइम मतलब समय पर नहीं पहुंचते हैं, बेसमय पर हम पर पहुंचते हैं। सेकेंड में लिखा है द पोस्टमैन डिसअपीयर, मतलब गायब रहता है। कितने दिन गायब रहता है? लिखा फोर अ डे या टू डे, एक या दो दिन वह गायब रहता है। और देन मतलब फिर डिस्ट्रीब्यूट्स, मतलब बांट देता है। क्या बांट देता है? अवर मतलब हमारे, एक्यूमुलेटेड मतलब होता है एकत्रित, लेटर मतलब हमारे पत्रों को बांट देता है। क्या लिखा है? जो पोस्टमैन है ना, वो डिसअपीयर मतलब गायब रहता है। कितने दिन के लिए? एक या दो दिन के लिए वह श्रीमान जी अपनी ड्यूटी से गायब रहता है। और फिर आकर देन मतलब फिर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब बांटता है। क्या बांटता है? अवर मतलब हमारे, एक्यूमुलेटेड मतलब होता है एकत्रित लेटरों को, मतलब पत्रों को वह बांटता है। दो स्टेप हो गई, तीसरी स्टेप देख लेते हैं। क्या लिखा है? व्हेन मतलब जब, श्रीमान जी मैंने ट्राइड मतलब कोशिश की, काय की, आर्ग्यू मतलब तर्क करने की, बहस करने की, किसके साथ? विद द पोस्टमैन के साथ। वह दो तीन दिन गायब रहता है, फिर हमारे लेटर बांट देता है। एक दिन मुझको रास्ते में मिल गया, मैंने उससे क्या की भाई? बहस करने की कोशिश की, उससे तर्क किया। किससे? विद द पोस्टमैन से। और अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में? हिज कंडक्ट मतलब उसके व्यवहार के बारे में उससे चर्चा की। तो वो क्या करता है श्रीमान जी? ही मिस भी है, उसने बुरा व्यवहार किया। किसके साथ? विद भी मतलब मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है? व्हेन आई ट्राइड, जब मैंने कोशिश की, किस चीज की? तो लिखा है टू आर्ग्यू मतलब तर्क करने की, किसके साथ? विद द पोस्टमैन के साथ। और किस बात पर? तो लिखा है हिज कंडक्ट मतलब उसके व्यवहार, जो व्यवहार कर रहा था लेटर वाला, उसके बारे में मैंने बात की। तो वो क्या करता है? ही मिस भी है मतलब बुरा व्यवहार किया, विद भी मतलब मेरे साथ उसने व्यवहार किया श्रीमान जी। अब आगे लिखा हुआ है आई नो मतलब मैं जानता हूँ, श्रीमान जी मैं जानता हूँ जो वर्क है ना, किसका वर्क? ऑफ अ पोस्टमैन का। वो कैसा होता है?
डिफिकल्ट होता है। ये बात मैं जानता हूं कि पोस्टमैन का कार्य कैसा है, डिफिकल्ट है, लेकिन बट मतलब लेकिन दैट डज नॉट एंटाइल, एंटाइल मतलब होता है अधिकार, हिम मतलब उसे, उसे अधिकार नहीं होना चाहिए किस चीज का, मिसबिहेव करने का, किसके साथ, विद द पब्लिक के साथ, वह पब्लिक के साथ बुरा व्यवहार करे ऐसा उसको अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या लिखा है, आई नो द वर्क, मैं काम जानता हूं किसका, पोस्टमैन का, कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, लेकिन दैट डज नॉट एंटाइल हिम, उसको अधिकार नहीं होना चाहिए किसका, मिसबिहेव करे किससे, विद द पब्लिक से। अब लास्ट लाइन में लिखा है आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा है, किस चीज का भरोसा है, यू वुड लुक, लुक मतलब देखेंगे, क्या देखेंगे, इनटू माय कंप्लेन, मेरी कंप्लेन को देखेंगे और चेक करेंगे, किसको, पोस्टमैन को, किस लिए, नॉट मतलब नहीं, टू रिपीट कर पाए, क्या दिस टाइम मतलब इस प्रकार की मिस्टेक को इन फ्यूचर में ना दोहरा पाए, इसलिए आप क्या करेंगे, पोस्टमैन को चेक करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में लिखा है, ये आप बेटर तरीके जानते हैं, क्या लिखा है, यूअर्स फेथफुली अपर्णा।